हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। ओके बेटा, हमारा बात चल रही थी डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यस्टरडे आई वाज एक्सप्लेन टू यू अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द इमेज। एक बार फटाफट देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपकी थी बकल कैविटी। ओके, बकल कैविटी, दिस इज ऑयसोफेगस, और इसका दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप, ओके। उसके बाद फूड पाइप से फूड कहाँ आता है? स्टमच। ओके, इसको आप याद रखेंगे, इट इज यू शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, साथ में एक चीज और आपको याद रखनी है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है? ओके, अंडरस्टैंड यू का? देखिए, थोड़ा सा आपको आई होप दिखाई नहीं दे रहा होगा। इट इज यू शेप्ड, यू शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहली बात। दूसरी बात, स्टमच के बारे में आपको याद रखनी है, इट इज वाइडेस्ट पार्ट। वाइडेस्ट यानी चौड़ाई की बात करें तो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसके बाद दिस वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो हम बाद में बात करेंगे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होती है, बट इट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, और आप कह सकते हो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नाम क्या है इसका? लीवर। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। इज दैट क्लियर बेटा? इसके एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इसका जो लीवर है वो एक जूस प्रोड्यूस करता है, जूस का नाम है बाइल जूस, और बाइल जूस थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। तो देखिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि माउथ जो होता है उसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होती है, फूड को मैस्टिकेट, ग्राइंडिंग, पायरसिंग करते हैं, उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ओएसोफेगस या फूड पाइप में जाता है। देन फूड एंटर होता है स्टमच में। हमने देखा था स्टमच तीन मेन केमिकल रिलीज करता है, जिसमें एक एचसीएल है, एक म्यूकस है, और एक डाइजेस्टिव जूसेस या पेप्सिनोजेन है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद फूड कहाँ एंटर होगा? फूड जाएगा इसमें, ओके, एंड दिस इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। आज इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, क्लियर है? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, बट इट इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, मीटर नॉट सेंटीमीटर। अब वो क्या है? हाईली कॉइल्ड है, जैसे कोई रोप है आपके पास, इज दैट क्लियर? और उस रोप को आपने इस तरह से करके उसको आपने पूरा क्या कर दिया? पैक कर दिया। उसी वजह से ये यहाँ पे पैक है, यानी ये क्या है? हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, फूड कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, वेट अ मिनट। स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है, पहली बात है इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट। कितना है? 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, सेकंड बात, डाइजेशन कंप्लीटेड हेयर। ओके, थर्ड चीज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विलाई। विलाई क्या है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, अब सुनना, मैंने आपने देखा था, मैंने इस तरह से कुछ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई थी, बहुत सारी घूमी हुई थी,
अगर इसको हम एक पार्ट ले रहे हैं, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये इसके अंदर की बॉल ले ली, तो आप क्या देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, तो बेटा आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर इनर बॉल से, ओके, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंडरस्टैंड। ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज विलाई, इज इट क्लियर, इनको क्या कहते हैं, विलाई। ये क्या करती है, जैसे फूड के जो टुकड़े यहाँ से जाते हैं, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि देखो डाइजेशन तो हो चुका है, अब क्या होना है, वेस्ट फूड का बाहर निकल रहा है, तो फूड जैसे जाता है इनको लगता है नहीं इसमें साल्ट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको ये क्या कर लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, इज दैट क्लियर। तो एब्जॉर्प्शन का काम भी कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अंडरस्टैंड, और वो कौन करता है, विलाई करती है, इज दैट क्लियर। तो विलाई का काम क्या हो गया, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इज दैट क्लियर बेटा। अब लास्ट जो पॉइंट है उसको ध्यान रखें, देखिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, ठीक है, प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन होगा, एमिनो एसिड्स में, और फैट किसमें ब्रेक डाउन होगी, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, इज दैट क्लियर बेटा, ओके।